और अगली ग्राउंड रिपोर्ट उत्तराखंड के चंपावत से है। चंपावत विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब चरम पर है और सीएम पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया और सीएम योगी ने टनकपुर में रोड शो कर धामी के समर्थन में वोट भी मांगे। चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। पुष्कर सिंह धामी, जैसा कि आपको मालूम है, विधानसभा चुनाव हार गए थे। उत्तराखंड चुनाव के दौरान मुझे उत्तराखंड के अंदर कुछ सभाओं में आना था, लेकिन अचानक खटीमा का कार्यक्रम मेरा स्थगित करवा करके टिहरी, कोटद्वार और अन्य स्थानों के कार्यक्रम लगा दिए गए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रुद्रपुर में कार्यक्रम होने के कारण उस समय चाहते हुए भी मैं खटीमा का दौरा नहीं कर पाया था और मुझे इस बात का उस समय हार्दिक खेद था कि अगर हम लोग उस समय एक साथ खटीमा में गए होते तो खटीमा की तस्वीर कुछ और हो गई होती। लेकिन भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड के सभी मतदाता भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, श्री पुष्कर सिंह धामी जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने विश्वास करते हुए दो तिहाई बहुमत से फिर से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी का अभिषेक होने के साथ ही ये चंपावत का सौभाग्य है कि आज केवल एक जनप्रतिनिधि का नहीं, एक मुख्यमंत्री का चुनाव करने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।